आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल बर्गर, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्रूटी ब्रेड बंद, और सॉस, दो प्याज, एक टमाटर, आधा खीरा, थोड़ा काला नमक, चाट मसाला, काली मिर्च और हरी चटनी। अब हमने प्याज, खीरा, टमाटर को गोल शेप में काट लिया है, और इस बंद को भी हम देखिए, ये बंद है, इसको हम बीच में से हमने ऐसे कट कर लिया है। अब इन पे हम हरी चटनी और केचप लगाएंगे। इसके अंदर हम आलू का यूज़ नहीं करेंगे। इस पर हमने हरी चटनी और केचप लगा लिया। अब इस पर हम वेजिटेबल रखते हैं। इसके ऊपर हमने खीरा, टमाटर, प्याज रख दिए हैं। अब इसके ऊपर हम चाट मसाला, नमक डाल रहे हैं। अब हल्की सी टेस्ट के लिए काली मिर्च डाल रहे हैं। अब हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं। ये तवा रखा है हमने। अब इस पर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा दिया। अब इसके ऊपर हम इसको रख देते हैं। इसको दोनों तरफ से सेकना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। अब हमारे वेजिटेबल बर्गर तैयार हैं। इसके अंदर हमने आलू की टिक्की का यूज़ नहीं किया है। इसके अंदर आप पनीर, पत्ता गोभी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे वेज बर्गर तैयार हैं। ये बनाने भी बहुत आसान है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद।